गुरुवार को सेज यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी के आरोप लगाए। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चों से मनमाफिक फीस वसूलते हैं और जबरदस्ती उनके ऊपर फीस और कैंटीन जैसी सुविधा थोपकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। कई बार छात्र कॉलेज प्रबंधन के आगे झुक जाते हैं और उन्हें मोटी रकम देना पड़ती है। इसी को लेकर गुरुवार को बायपास SSA यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया और नारेबाजी कर शिक्षकों को आड़े हाथों लिया। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रबंधन मनमाफिक फीस वसूली के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद लगभग एक घंटे तक कॉलेज प्रबंधन और छात्र संगठन के बीच बातचीत चलती रही, जिसके बाद कई मामलों का निराकरण किया गया। वसेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि छात्रों की समस्याओं को सुना गया है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। आप आए हैं, प्रदर्शन किया है, उनको छात्रों की क्या क्या समस्या है? सर, ये सबसे पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। बच्चों से सिर्फ फीस ली जाती है, उनको कुछ भी सुविधा उपलब्ध कराई नहीं गई। एक सुविधा ऐसी नहीं है जो बच्चों के लिए है, ना फैकल्टी उपलब्ध है, ना पीने के पानी की समस्या है। पूरी फैकल्टियाँ ना क्लासेस रेगुलर लग रही है, यहाँ कुछ भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेज यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर पूर्ण रूप से व्यापार, शिक्षा को व्यापार बना रखा है। सारे बच्चों से मनमाही फीस ली जा रही है, दलालों के माध्यम से एडमिशन लिए जाते हैं, जहाँ बच्चे की 15,000 रुपये फीस होती है, दलालों के माध्यम से जो बच्चे आते हैं उनसे 25,000 30,000 फीस ली जाती है। महीने का कुछ एडमिट तरीके से उनकी फीस बीच में डिसाइड आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा जैसा आता है उस बच्चे को उस हिसाब से फीस उनके ऊपर छूट दी जाती है। कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार से टीचर्स होना चाहिए उस प्रकार से टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। बच्चे जैसे बता रहे हैं, अगर बच्चों का कहना है पानी की समस्या है, नहीं मिल पाता है बच्चों को, मतलब पूरी तरह से व्यवसायीकरण बना रखा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने पूर्ण रूप से व्यापार बना करके, धंधा बना करके यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ना कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। किसी भी प्रकार से बच्चों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं ये सारी की सारी एक तरह से व्यापार कर रही हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही है और बच्चों से पैसे उठाने का काम किया जा रहा है। बस फीस कंपलसरी कर दी गई है, बच्चे बोलते हैं बच्चों को फीस उनकी माफ़ नहीं की जाती है, चूँकि माफ़ करना चाहिए। अगर बच्चा बस का उपयोग नहीं कर रहा है तो एक एफिडेविट बोलते हैं कि लिखवा करके लेकर के आ जाइए तो हम बीस बस फीस आपसे भी लेंगे। लेकिन अगर बच्चा एफिडेविट लेकर के जाता है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में चक्कर खाना पड़ता है, जैसे कि एक बच्चे को अपनी ज़मानत के लिए, एक इंसान को अपनी ज़मानत के लिए जेल में और कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है। अच्छे ढंग से एक्शन लेंगे, पहले भी इनका था, उसमें यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी हैज कंस्टिट्यूटेड ए हाई लेवल कमिटी एंड देयर वर वेरियस इशू, तो उसको वन बाय वन इशूज को हमने कुछ रिजॉल्व भी किए हैं। और जो भी मामला इन लोग, जो भी यूनिवर्सिटी इज सेल्फ विद स्टूडेंट सेंटर, तो बच्चों का, बच्चे हमारे ही, बच्चों की समस्या हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? ये भी मेरे लिए पेनफुल है, तो अगर हमें NSUI या किसी दूसरे एजेंसी से बच्चों की समस्या समझने की जरूरत पड़ती है तो इसको भी हम देखेंगे।
हमारा संवाद बच्चों से बढ़ेगा। हम लोग बच्चों की एक कमेटी बनाएंगे, अभी आज के बाद एक जो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, एक हम स्टूडेंट एम्बेसडरशिप प्रोग्राम कल तक अनाउंस हो जाएगा, उसमें हम हर एक इंस्टीट्यूशन से 2-3 अच्छे बच्चों को जिनकी परफॉर्मेंस हर तरह से अच्छे है उसकी एक कमेटी बनेगी और हर एक 15 दिन में हम बच्चों से मिलेंगे। बच्चे हमारे हैं तो हमसे बाहर क्यों जाएगा, बनाएंगे हम लोग कमेटी और उनके साथ हर एक 15 दिन में संवाद होगा, ओपन संवाद होगा, वो हम आज ही या कल तक अनाउंस हो जाएगा। हर एक इंस्टीट्यूशन से 2-2 बच्चों को और उसमें जेंडर का भी प्रोपोर्शन रखा जाएगा ताकि फीमेल कैंडिडेट भी हो और मेल कैंडिडेट भी हो और ये सब समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाएगी अगर हम इनकी बात समझेंगे, जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करेंगे। शहर के अधिकतर कॉलेजों में इसी प्रकार की स्थिति है। यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं से कॉलेज प्रबंधन मोटी रकम वसूलता है परंतु समस्याओं का निराकरण नहीं करता है। इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी विकास नंदवाना, आशुतोष चौधरी, लकी वर्मा, नरेंद्र चौधरी, गोलू चंदेरी, रवि चौधरी, हंसराज पटवारी, गौरव आर्य सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद थे।